हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लाइफ। डॉक्टर सुशीला वर्मा। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है डाइजेशन इश्यू को कैसे ठीक करें। ये जो आजकल लोग कई लोग बोल देते हैं कि फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो गई है, तो जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो गई है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हमारे डाइजेशन इश्यूज से स्टार्ट होती है। डाइजेशन इश्यूज इतना बढ़ गया है कि उस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, फैटी लिवर की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, डाइटरी प्रोडक्ट की हैबिट ऐसी हो गई है, कहीं ना कहीं डाइजेशन को लेकर इश्यू रहता ही रहता है। एक टाइम था जब हम सुनते थे कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, यानी कि जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, उनका लीवर खराब होता है, यानी कि उनको लीवर सिरोसिस हो जाता था। पर आजकल के टाइम में हम देखते हैं, आज का जो टाइम चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं, जो नॉन अल्कोहलिक पर्सन है उसको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर सिरोसिस हो रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है? कि आपने सोचा है कि पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं घर में, मम्मी पापा, उनसे पूछ के देखेंगे कि लीवर खराब हो गया, तो वो नॉर्मली ऐसे ही बोलेंगे कि दारू पीता होगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, तो पर आजकल तो लोग ड्रिंक भी नहीं कर रहे तो भी ऐसा हो गया है। तो वो किस वजह से? क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारे खाने की जो हैबिट है, डाइटरी जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। पर बात यहीं आ जाती है, पर हम इसके लिए क्या करें? बहुत सारे लोग तो इतने कॉस्टली ट्रीटमेंट लेते हैं इसके लिए, फिर भी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उनको फैटी लिवर ग्रेड 1 हो जाता है, ग्रेड 2 हो जाता है, ग्रेड 3 हो जाता है, ग्रेड 4 हो जाता है, यहाँ तक कंडीशन पहुंच जाती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, लोग कहते हैं कि मैम मुझे कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा है कि डाइजेशन हो ही नहीं रहा। तो ये सारे इश्यूज किस वजह से हो रहे हैं? हमारे डाइजेशन की वजह से ही। जो सब चीजों की जड़ है वो क्या है? डाइजेशन है। तो आज हम इसी वीडियो में डाइजेशन इश्यू को सोल्व करेंगे, जो इससे रिलेटेड जुड़ी ही बीमारियां हैं उसके लिए हम सॉल्यूशन बताएंगे, होम रेमेडीज बताएंगे कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि हमें लीवर, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग बोल देते हैं कि लीवर में स्वेलिंग आ रखी है, कोई कहता है कि मैम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, उस वजह से कालजा जिसको बोलते हैं, इस एरिया पे, एपिगैस्ट्रिक एरिया पे बहुत ज्यादा पेन होता है, भूख नहीं लगती है। अब भूख लग रही है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? डाइजेशन की ही वजह से हो रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको आंवले का यूज करना चाहिए। आंवला, जो नॉर्मल आंवला होता है, आंवले का मुरब्बा भी आता है, और उस टाइम पहले, अभी तो फिर भी सीजन में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे अभी मुझे पता नहीं है, जो 1-2 महीने पहले थे उस सीजन में आंवले मिल रहे थे, ठीक है, फिर भी मिल ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं आंवले, थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे। तो उनको घर पे सुखा के आप उसका चूर्ण बना सकते हो, इजिली उसका बनाओगे, ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए उसको धूप में, और आजकल तो अच्छी खासी धूप होती है, ठीक है, तो इजिली सूख जाएंगे। तो वो आपको सुखाने हैं और उनका पाउडर बना लेना है। अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप शॉप से भी जाके ले लोगे, आजकल तो ऑनलाइन भी परचेज हो जाता है, ठीक है। और एक आता है कुटकी, कुटकी का भी, उसका भी क्या करना है, आपको पाउडर बना लेना है, ठीक है। इन दोनों का पाउडर मिक्स कर लेना है, जितना आंवला लिया है उतनी ही कुटकी लेनी है और इन दोनों को मिक्स कर लेना है, ठीक है। फिर आपको दिन में एक बार आधा चम्मच आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको लेना है, डेली आपको इसका यूज करना है, आपको जो लीवर की प्रॉब्लम है वो सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि लीवर को हमें ठीक नहीं करना है, लोग क्या लगे रहते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम होगी, लीवर को ठीक करो, लीवर को ठीक, हमें डाइजेशन को ठीक करना है। जब हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा, पेट अच्छे से साफ होएगा, भूख हमें प्रॉपरली लगेगी, ठीक है, हम खा अच्छे से रहे हैं, तो लीवर की
कि जो गंदगी है, जो बॉडी डिटॉक्स होनी चाहिए वो होगी तो लीवर अपने आप ही अच्छे से काम करेगा, लीवर में स्वेलिंग रहेगी नहीं, फैटी लीवर रहेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, डाइजेशन को सुधारना है और बॉडी को डिटॉक्स करना है, बॉडी की सफाई करनी है, जिससे क्या होगा लीवर अच्छे से काम करेगा। ये ले सकते हो। दूसरा, आप भूमि आंवला आता है वो आपको नॉर्मल ऐसे नहीं मिलेगा, कहीं जगह होता है भी है पर हमारे यहाँ पे नहीं, मैंने कभी देखा हरियाणा में भी कहीं पे भी भूमि आंवला होता होगा, कहीं जगह पे होता होगा पर यहाँ नहीं होता। पर आप पंसारी की शॉप पे जाओगे तो आपको इजिली मिल जाएगा, इसका पाउडर मिल जाएगा, ब्रिंगराज पाउडर आ रहा है वो ले सकते हो, काल मेघ आता है, सरपुंग आता है। तो ये क्या होते हैं, सारे प्लांट बेस्ड होते हैं, क्योंकि जब हम चीजें प्लांट बेस्ड लेते हैं ना तब क्या होती है, वो चीजें क्या होती है हमारी अंदरूनी अच्छे से क्या होती है, बॉडी की सफाई करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। जब हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं ना वो क्या करती है, पेन को रिलीव करती है थोड़े टाइम के लिए, जब आप लोगे उसमें आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर जो डाइजेशन का जो प्रॉपरली इशू था, जो बॉडी की सफाई करनी थी, तो वो चीज तो प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं और वो धीरे धीरे करके और बढ़ती रही। तो तभी तो हमें पता चलता है कि ग्रेड वन था, दो तीन महीने बाद देखते हैं हमारा ग्रेड टू आ जाता है। जो प्लांट बेस्ड होते हैं वो हमेशा अच्छे से काम करते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां जो होती है वो प्लांट बेस्ड चीजों से ही मिलके बनी होती है, ठीक है। जिनको पता होगा उनको जरूर इस बारे में पता होता है कि हमने कभी किसी प्लांट की जो रूट्स होती है वो ले ली, पत्तियां ले ली, डंडी ले ली, इस तरह से उन चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, फ्रूट को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। चीजें जो मैंने बताई है इजिली आपको कहीं मिले या ना मिले, ऑनलाइन कुछ चीजें क्या पता मिल जाए आपको, कुछ चीजें ना भी मिले, पर जो पंसारी की शॉप होती है जहाँ पे पुरानी सी पुरानी चीजों का चूरन हो, कोई भी चीज हो, वो मिल जाएगी, वहां पे आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। इनका भी आप पाउडर ले लीजिए और इसको भी आप आधा आधा चम्मच डेली रूटीन में यूज कर सकते हो, वो भी याद रखना है खाना खाने के बाद आपको लेना है और हल्के गर्म पानी के साथ ही, ठीक है। तो ये आपकी एसिडिटी को दूर करेगी, जिसको जोंडिक्स की प्रॉब्लम है उसमें काफी हेल्प करेगी, स्प्लीन की प्रॉब्लम है, जिनको स्प्लीनोमेगली हो गई है उसमें काफी हेल्प करेगी, आपकी लीवर में तो करेगी ही करेगी और बॉडी को डिटॉक्स करेगी, सफाई करेगी अंदर से, ठीक है। जो दूसरा नुस्खा है वो तो और भी इजी है, सबके घर में मिल जाएगा। आपको 50 ग्राम सौंफ लेनी है, ठीक है, जो हर किसी के घर में किचन में मिल जाती है, ठीक है, सिर्फ 50 ग्राम लेनी है और उसका चूर्ण बना लेना, यानी कि पाउडर बना लेना है। और 50 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है, पर अजवाइन का आपको ऐसे डायरेक्ट पाउडर नहीं बनाना है, उसको तवे पे थोड़ा भून लेना है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, फिर जैसे ही हल्का सा उसका कलर आए उसके बाद ठंडा होने पर उसका भी पाउडर बना लीजिए। इन दोनों को मिक्स करके उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्लैक सोल्ट आता है जो काला नमक बोलते हैं वो मिक्स कर लीजिए। इसको आपको दिन में दो बार लेना है, एक ब्रेकफास्ट करने के बाद ले सकते हो, एक खाना खाने के बाद ले सकते हो। 1/4 स्पून लेना है, यानी कि चौथा जो हिस्सा होता है, चम्मच होती है जो हमारी, उसमें जो चौथा हिस्सा आएगा वो आपको लेना है, पर दिन में दो बार लेना है आपको, ठीक है, हल्के गर्म पानी के साथ। नहीं ले रहे तो नॉर्मल पानी के साथ भी आप ले सकते हो। आप देखोगे कि आप 2 से 3 दिन ये कर रहे हो तो आपको कितना रिलीफ मिल रहा है, डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, सारी चीजें आपकी काम करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में गाड़ी खराब हो जाती है, हमें सर्विस करानी पड़ती है, सर्विस के लिए लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले इंजन को रिपेयर किया जाता है, या हमारे घर में कोई भी चीज खराब हो गई उसको ल्यूब्रिकेंट करना है तो ग्रीस की चाहिए होता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी में अगर कुछ हो गया है, डिफेक्ट आ गया है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई है, तो हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ तो ग्रीस बना ही होगा ना, घर में ऐसा तो है नहीं बना होगा, ठीक है। क्योंकि जब लीवर हमारा खराब होता है तो हमारा सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, वो प्रॉपरली तरह से नहीं हो पाता और उस वजह से क्या होता है, हमारी जो गड़बड़ है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले एसिडिटी बनती है, यानी कि गैस बनेगी, वो हमारे दिमाग में चढ़ जाती है, दिमाग में चढ़ते ही हमें हेडेक होने लग जाता है, वोमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है, फिर हमारे क्या होता है कि पेट में पहुंचती है, पेट दर्द होने लग जाएगा हमारा,
ठीक है, बार बार गैस निकलेगी उस वजह से, और उस वजह से क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ये सब नहीं होने देना है। इन चीजों से जो मैंने आपको बताई है दो चीजें, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और लीवर का जो काम है अच्छे से करना स्टार्ट कर देगा, डाइजेशन हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रखी है, तो वो क्या करें, उसके लिए आप कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हो, अरंडी का तेल जिसको बोलते हैं वो वाला तेल ले सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ 7 दिन ये करना है, सिर्फ 1 वीक के लिए, ठीक है। और आपको करना क्या है, आधा कप दूध लेना है। हाँ, दूध की बात कर रही हूँ मैं, आधा कप आपको दूध लेना है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, ठीक है, कोई भी दूध यूज कर सकते हो जो आप यूज कर रहे हो रूटीन में, आधा कप लेना है आपको। और उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल की डाल देनी है, ठीक है, क्योंकि वो गाढ़ा हो जाता है। वैसे तो अब गर्मियां हैं तो इतना नहीं मिलेगा, सर्दियों में क्या है कैस्टर ऑयल जम जाता है, तो उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो अभी शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कैस्टर ऑयल को गर्म करने की। तो 1 चम्मच उसमें डालना है और डेली उसका आपको यूज करना है, यानी कि सेवन करना है। तो आप ये लोगे तो आप देखोगे 2-3 दिन में आपको हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए लूज मोशन भी हो जाए, ठीक है, थोड़े से। इससे क्या होगा, जो आपकी गंदगी कॉन्स्टिपेशन के थ्रू जो जमा हो गई है, पेट में इकट्ठा हो गई है, उससे क्या होगी, बॉडी की सफाई हो जाएगी और बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो ये मत सोचना कि हमने कैस्टर ऑयल लिया और हमें लूज मोशन हो गए हैं 1-2 दिन के लिए, मतलब ज्यादा नहीं होंगे, आप उससे परेशान हो गए तो 1-2 दिन के लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि 1-2 दिन आपको मोशन हो सकते हैं, वो एक तरह से पेट की सफाई ही करेगा। और सिर्फ आपको 7 दिन लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना। हरी सब्जियों का सबसे ज्यादा यूज करना है, ठीक है, फ्रूट्स का सबसे ज्यादा यूज करना है, पानी का सबसे ज्यादा यूज करना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है आपको, ठीक है। और खाली पेट रहने से बचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनका लीवर खराब होता है, डाइजेशन खराब होता है, तो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो लोग खाली पेट रहना स्टार्ट कर देते हैं, भूखा रहना स्टार्ट कर देते हैं कि ताकि हमारा वेट कम, तो उससे आपको और ज्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको खाली पेट से बचना है, बिल्कुल भी खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। और इसके साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि इन चीजों में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, आप या 1 या 2 महीने में रिकवर होना चाहते हो, तो आप मेरे न्यूट्रिएंट्स ट्राई कर सकते हो, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर काफी हेल्प करेगा। जब हमारा डाइजेशन खराब होता है, प्रॉपरली काम नहीं करता, इतने टाइम से हमें प्रॉब्लम हो रखी है, तो जो हमारी बॉडी को चाहिए वो क्या होती है, वो चीजें हमारी बॉडी में जा ही नहीं, ठीक है, उस वजह से हमें वीकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें लो फील होता है, जो एक्टिवनेस पहले थी वो अभी नहीं होती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होगा, जो आपकी बॉडी के अंदर जो कमी हो गई, एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होगी, आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रोंग होगी, और ये चीजें करोगे तो आपका फैटी लीवर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और मेरी वीडियो शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि फैटी लीवर से बहुत लोग परेशान होते हैं, आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। आप इसका यूज करके देखिए और रिजल्ट देखिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कितना फायदा हुआ, कितना फैटी लीवर आपका ठीक हुआ। और मैं कह रही हूँ कि आपका फैटी लीवर ठीक होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करके बताते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँ। अगर फिर भी आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप दिए हुए नंबर पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप जाके पूछ सकते हैं, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।